नमस्कार दोस्तों, मार्वल दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम मिलाने जा रहे हैं हमारे कस्टमर को, जिनका ऑर्डर कंप्लीट और रेडी है। और वो आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने मूर्ति बनवाई, मूर्ति बनवाते वक्त उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे संपर्क किया, कहाँ से आए और उनको मूर्ति किस प्रकार की लगी। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सोनू जी, ये मूर्ति किसकी बनी हुई है सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बाबा रामदेव जी और उनका परिवार। अच्छा, और हमारे कस्टमर से मिलवाई सर। नमस्ते सर। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं मूलतः झुंझुनू जिले की गुडागोर जी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में हमने रामदेव जी का मंदिर बनवाया था गांव के सहयोग से, और उसमें हमने मूर्ति रखने की, अभी जो नवमी आ रही है उस पर इसकी स्थापना करनी है मोबाइल के जरिए, तो इन्होंने भेजी, हमें पसंद आई। जैसे मान लो आपको पहले मूर्ति बनवानी थी, तो आपके दिमाग में ऐसा था क्या कि मकराना मार्बल से बनवानी या किसी भी मार्बल से? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो मकराना मार्बल से। अच्छा, मतलब आपके शुरू में भी जब भी मूर्ति के बारे में सोचा, तो आप लोगों ने ये सोचा कि मकराना मार्बल में बनवानी जी, मकराना मार्बल। तो आपको क्या लगता है कि मकराना मार्बल अच्छा होता है क्या सर दूसरे मार्बल से? मकराना मार्बल की क्वालिटी, इनकी शाइनिंग, ये जो पत्थर है इसकी मजबूती को देखते हुए हमने ये तय किया। ये जैसे पुराने मंदिरों में हमने देखा हजारों साल तक ये मूर्तियाँ खराब नहीं होती, मतलब जैसी रहती है। हमने सोचा कि लॉन्ग लाइफ के लिए ये मूर्तियाँ मकराना मार्बल से बनी हुई मूर्ति ला के रखी। अच्छा, मतलब आप भी ये मानते हो कि अगर अपने को लॉन्ग लाइफ मूर्ति चाहिए, अच्छी मूर्ति चाहिए, तो मकराना मार्बल में बनवानी चाहिए जी? आपका भी ऐसा मानना है भाई साहब? जी जी जी। अच्छा, कि भाई मकराना मार्बल में ही मूर्ति होनी चाहिए। नाम? सतवीर। अच्छा, आप किस जगह से हो? झुंझुनू से। आप भी झुंझुनू से हो? क्षेत्र से। अच्छा, ये मूर्ति आप डोनेट कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी मकराने मार्बल में है बनी हुई? प्योर प्योर। आपने चेक किया? चेक किया। पेंटिंग आपके सामने भी? अच्छा, कब आए आप मकराना? हम कल आए थे। कल कितनी बजे? 6 बजे आए थे। और ये मूर्ति अभी आपको कब मिल रही है डिलीवरी के लिए? अभी हमारे को 11:15 बजे। 11:15 बजे मिल रही है। यानी कल आप शाम को आए और अभी मूर्ति मिल रही है। आपको मूर्ति पहले पसंद कराएगी ये? आपने वाकई दे देगा? पेंटिंग आपके सामने हुई है? हमारे सामने हुआ। कोई आपके साथ चीटिंग हुई है? नहीं, कोई चीटिंग। धोखाधड़ी? नहीं, नहीं, कोई। बिल्कुल सर्टिफाइड हो मूर्ति में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बाबा रामदेव जी की आप मूर्ति पसंद आई आपको? पसंद आई तब तो आए। नहीं, अभी आपने ये देखा तो आपके अकॉर्डिंग कलर हुआ है? अकॉर्डिंग कलर हुआ, और इसकी जो बनावट है आर्टिस्ट, ये पूरी हो गई सारी चीजें, हमारा मन बहुत खुश हुआ। ये सब भाई जैसा आपको चाहिए था वैसा, मतलब चीज आपको मिली हमारे मन के अकॉर्डिंग, वैसी चॉइस हमारे को मिल गई। बिल्कुल भाई, अपन ये तो सोच के चलते हैं कि कोई चीज सोचते हैं 100% तो चलो नहीं मिल पाती, लेकिन उसके आसपास नजदीक होती तो अपने को खुशी होती थी। हमें तो 100% से भी ज्यादा मिल गई। अच्छा, अच्छी मिल गई। हाँ भाई, हम ये मान के चलते हैं अपन दुनिया में कोई भी चीज होता है, अपना कोई भी एक सपना भी देखते हैं किसी चीज में, तो पूरा नहीं हो लेकिन अपन उसके नजदीक पहुंचे तो खुशी होती है। हमारा सपना पूरा हो गया। अच्छा, मतलब आपको एक अच्छी बढ़िया क्वालिटी की मकराना मार्बल रामदेव जी महाराज की मूर्ति मिली है। तो दर्शकों देखो, मैं आपको एक बार मूर्ति फिर दिखा देता हूँ जो इन्होंने बनवाई है। आप खुद देखिए मूर्ति कितनी प्यारी सुंदर है। दिखने में तो मूर्ति सुंदर है ही है, साथ में ये मकराना मार्बल से बनी है, तो ये सदियों तक ऐसी रहने वाली है। सबसे बड़ी मकराना मार्बल की यही खास बात है। और जो भी ग्राहक दर्शक वगैरह जो देख रहे हैं या वो सोचते हैं, तो सभी ये मानते हैं कि दुनिया में मकराना मार्बल से बढ़िया मार्बल अब तक तो कोई नहीं है। नहीं, मतलब आज तक जितने भी सदियों से मंदिर या मूर्तियां बनती आई है वो मकराना मार्बल की सबसे बेस्ट मानी जाती है। हाँ, किसी को कोई प्राइज में कम बनवानी होती है तो दूसरा मार्बल ले लेता है जी। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें तो मकराना मार्बल सबसे बढ़िया है। तो देखिए, कम पैसा के बजट में भी हमको मूर्ति दिखाई गई है हमारे को, वो बाबा रामदेव की दूसरी मूर्ति भी, जो दूसरी मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कम बजट की है और दूसरे मार्बल की है वो भी आपको बताई गई। और आपको ये बताया गया कि ये मूर्ति भाई मकराना मार्बल की नहीं है, आपको पूरी जानकारी दी गई कि साहब मकराना मार्बल की नहीं है तो उसकी प्राइस थोड़ी कम है। अच्छी मूर्ति है, सारा सब बढ़िया है, लेकिन हमारे पसंद नहीं आई। बस कि भाई भैया ने ये दिखाई ना, हाँ, तो पैसों की कोई बात नहीं है, हमारी चॉइस ये थी कि घर से लेके आएंगे तो मूर्ति अच्छी लेके आएंगे। हाँ, क्योंकि भाई मूर्ति बनवाते हम हमेशा ये सोचते हैं कि थोड़े बहुत पैसों का फर्क हो तो चलता है, लेकिन मूर्ति अच्छी होनी चाहिए। मूर्ति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हजारों लोग इसके सामने आएंगे और नतमस्तक हो गए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, तो अपन मानते हैं कि जितनी कोशिश हो उतनी अच्छी मूर्ति बननी चाहिए जी। और सोनू जी, आप क्या सोचते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं वो भगवान की मूर्ति बनवाने के लिए आते हैं, तो एक मूर्तिकार का भी पूरा फर्ज बनता है कि उनको बहुत ही बढ़िया और उच्च क्वालिटी की मूर्ति दी जाए। बिल्कुल सर्टिफाइड किया है इनको, है ना। और शिव पर ये इनका रामदेव जी का परिवार हो तो भी इनको मैंने बता के आराम से सर्टिफाइड किया है। ऐसा नहीं है कि इनको जानकारी नहीं है, तो इनको पूरी जानकारी दी गई इनके अकॉर्डिंग, तो इनको अच्छी जानकारी देके फिर इनकी मूर्ति तैयार कराई गई है। 15 घंटे इनके पास रुके थे इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग और ये मूर्ति
इनके लिए। बिल्कुल, और आपने पेंटिंग अपने खुद खड़े रह के करवाई जैसी आपको चाहिए थी, उसी हिसाब से कारीगरी आपको पसंद आई है इस मूर्ति की। तो अब मेरे दो छोटे से क्वेश्चन आपको दोबारा से पूछे, एक तो कि क्या मकराना मार्बल को आप सबसे बढ़िया मानते हैं मूर्तियों में? जी सबसे बढ़िया मानते हैं मूर्तियों में मकराना। हमने क्या है जैसे पुराने मंदिरों में देखा मकराना मार्बल की पहले बनी हुई मूर्तियाँ, अच्छा, तो हजारों साल तक आज भी सुरक्षित है। हाँ वैसी ही है, वैसी है, आज भी सुरक्षित है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, इसीलिए हमने सोचा कि जब लॉन्ग लाइफ के लिए अपन लेके आएंगे तो मूर्ति मकराना मार्बल से बनी हुई मूर्ति लेके आएंगे। अच्छा, इतनी दूर से चलते और मकराना के अंदर आके मूर्ति उर्ति बनवाने पर यहाँ ऐसा संतुष्टि लगा कि भाई चीटिंग वीटिंग जैसा कोई काम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड हुए। इनकी एक खासियत है कि ये पत्थर है ना, जैसे अपन स्टील की तरह ये बोलता है। अच्छा ऐसे मारो तो। अच्छा, क्योंकि ये मकराना ठोस पत्थर होता है और एकदम नेचुरल है, कोई बनाया हुआ टाइल की तरह नहीं है किसी भी तरीके का। अच्छा, तो सर इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद। आपके विचारों से बातों से हमारे दर्शकों को ये महसूस होगा कि मकराना में जाके मूर्तियां बनवाई जा सकती है, किसी भी प्रकार की चीटिंग धोखाधड़ी वो कुछ नहीं है। हाँ, एक प्रोडक्ट की जो प्राइस लगती है वो तो लगती है, बाकी आप अपनी बढ़िया मूर्ति अपनी नज़रों के सामने बनवा के ला सकते हैं। बिल्कुल, तो आप हमारे दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि मकराना में आके मूर्तियां बनवा सकते हैं? अगर मूर्ति बनवानी है तो मकराना में आके मकराना मार्बल की ही मूर्ति बनाएं। अच्छा, वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्बल दुनिया चैनल में हम विभिन्न प्रकार के मार्बल उत्पादों की जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं। चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें, लेकिन किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय में मार्बल दुनिया यूट्यूब चैनल की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। क्रय विक्रय आप अपने स्वयं विवेक से करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।